गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू द योगा, योगा एंड लाइफस्टाइल। यूनिट नंबर थर्ड, योगा एंड लाइफस्टाइल फॉर क्लास 12th। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द योगा। नंबर टू, आसन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सो देर आर द थ्री टॉपिक रिलेटेड टू द योगा एंड द लाइफ स्टाइल्स। इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द योगा। फर्स्ट, इट एंड द एस्टॉन्जिंग फैक्ट दैट योगा ट्रेडिशनल्स विच इज मोर देन 5,000 ईयर ओल्ड हैज रिसेंटली बिकम अ प्रॉपर वे ऑफ लाइफ। प्रेजेंटली पीपल कंसिडर दैट योगा इज अ सिग्निफिकेंट मीन्स टू एक्टिव अ हेल्दी एज वेल एज पॉजिटिव लाइफ स्टाइल्स। In fact, the power of yoga lies in its simplicity, flexibility, and diversity. As a matter of fact, yoga helps in the improving our flexibility, lower our stress level, and increase our confidence, and finally contributes to a healthier lifestyle on the whole. There are various lifestyle diseases like obesity, diabetes, asthma, hypertension, back pain, migraine, and depressions, tension, frustrations, anxiety, which can be prevented and treated up to some extent with the help of certain yogic exercises. Number second point, asana as preventive measures. According to Patanjali, asan means sthiram sukham asanam, that position which is comfortable and steady. In Brahmanishad, to sit in a comfortable position or posture or for your lasting period is called asana. Asana is that state of body in which the body may be positioned easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortable for an extended period of time in any position is called asana. In asana, body is kept in various positions. In such a way that the active of organ and gland of the body become more efficient and eventually the health of mind and body is improved. In fact, asana is a means through which physical and mental development is
achieved. Preventions of disease and delay in aging are the desired effects that can be achieved through yogic exercise. There are different types of asana, which include meditative asana, relaxative asana, and corrective asanas. Regular practice of the above mentioned asana significantly affect various systems or organ of our body. ये आसन एज प्रिवेंटिंग मेजर्स जो है इसमें आसन के बारे में बताया है, उनके कैसे उनको बैठना है, कैसे कंपनेस है. इसी तरीके से जो है पतंजलि ने बताया स्थिर सुख आसनम, जो भी आसन जो है स्थिर और सुखपूर्वक कंप्लीट हो जाए कर पाए वही आसन है. द पोजिशन विच इज कंफर्टेबल एंड द स्टडीज. ब्रह्मोपनिषद ने कहा टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज अ कॉल्ड आसना. लंबे समय तक जिस अवस्था में जो स्थिति में हम लोग ज्वाइन करते हैं, अगर लंबे समय तक हम उसमें बैठे रहे तो वही एक आसना है, आसन है. और सुखपूर्वक आराम से प्रसन्नचित मुद्रा में एक बार हम लोग जो है चेयर पर बैठते हैं तो चेयर पर बैठने के बाद हम लोग जो है कुछ समय बाद मतलब आसानी महसूस करते हैं, हमें कहीं पेन महसूस करते हैं. इस वजह से क्या होता है कि हम लोग जो है उस अवस्था में बैठे नहीं रह सकते, लेटते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेट पाते. इसी तरह आसन से जब हम आसन करते हैं तो उसे लॉन्ग टाइम तक सुख उसको महसूस करना, उसकी स्ट्रेसिंग उसकी महसूस करना, उसको जो है महसूस करना कि इस आसन में जो है हम कितने आराम से सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे हैं, स्टडी पोजिशन में बैठे हैं, और वही जो लॉन्ग समय तक हम उसमें बैठे रहें वही आसन है, वही आसन की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग. आसन कैन बी यूज अ प्रिवेंटिव मेजर्स बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट विच अल्टीमेटली हेल्प अस इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिजीज सच एज द डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ओके, द टू इंट्रोडक्शन ऑफ द योगा एंड आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, ये हमारे दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं. एक लास्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं, बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सॉरी, बेनिफिट ऑफ आसना फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज. तो कैसे हम उसको डिजीज मतलब कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो हमें आसन से मिलते हैं. फर्स्ट हमारा जो है वो है बोन एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग, बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें अपने आप की डिजीज को दूर कर सकते हैं. बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. नंबर टू, मस्कुलर बिकम स्ट्रॉन्ग. इसको अभी डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ी देर में, अभी बताता हूँ मैं आप लोग कैसे कैसे इसके अंदर आता है. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल. नंबर फोर, रिस्पिरेटरी ऑर्गन बिकम एफिशिएंट, रिस्पेक्टिवली ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट. नंबर फाइव, एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ. नंबर नेक्स्ट इसमें है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेट एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रेटोरी सिस्टम्स इनहेंस. नंबर लास्ट जो है, इम्यून सिस्टम इज ए स्ट्रेंथ. और उसके बाद हमारा जो है ओबिसिटीज,
जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है ये हमारी फिटनेस शुरू हो जाएगी। ज्यादा नहीं चैप्टर में, थोड़ा बहुत है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द बोन एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रॉन्ग। क्या है इसमें? एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली द बोन कार्टिलेज एंड लिगामेंट बिकम स्ट्रॉन्ग। अलोंग विद दिस द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज इनहेंस। द ज्वाइंट आर एबल टू बियर मोर प्रेशर। आसन ऑल्सो इनहेंस द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ ज्वाइंट। द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ स्पाइनल इज ऑल्सो इनहेंस्ड। पोस्चर डिफॉर्मिटीज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड एंड करेक्टेड। ऑर्थराइटिस इज ऑल्सो क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग आसन। ड्यू टू स्पाइनल इंजरीज प्रॉब्लम लाइक बैक पेन, साइटिका एंड सर्वाइकल पेन डेवलप। बाय परफॉर्मिंग आसना दीज प्रॉब्लम आर ग्रेटली कंट्रोल्ड। इसे हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कि 2 मार्क्स में बोन एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रॉन्ग, कैसे जो है बोन और ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एनलिस्ट या एलुसिडेट, तो हम उसको इसी तरह लिखते हैं 1, 2, 3, 4 करके। जैसे कि नंबर 1 पोस्चर डिफॉर्मिटीज कैन बी आल्सो बी प्रिवेंटेड एंड करेक्ट। नंबर 2 ऑर्थराइटिस इज आल्सो क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग आसना। नंबर 3 ड्यू टू स्पाइनल इंजरीज प्रॉब्लम लाइक बैक पेन सॉलिड। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है 5 हम लिखेंगे साइटिका एंड सर्वाइकल पेन डेवलप्ड एंड क्योर बाय द आसनास एंड एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग आसना रेगुलरली द बोन कार्टिलेज एंड लिगामेंट बिकम स्ट्रॉन्ग। ये हम इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इसमें अकॉर्डिंग टू बुक द मस्कुलर कैन बिकम स्ट्रॉन्ग। परफॉर्मिंग आसना रेगुलरली मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज। फैट डज नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी। फैट नहीं बढ़ता है, मसल स्ट्रांग होती है और बॉडी भी स्ट्रांग होती है, तो ये आसन के भी बेनिफिट है। मसल्स बिकम स्ट्रांग एंड बोन एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रांग। नंबर 3 पॉइंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। शरीर में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल बनाना है। ब्लड सर्कुलेशन अगर फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा तो जो है लो बीपी प्रॉब्लम है, तो उसको एक नॉर्मल बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है सर्कुल ब्लड प्रेशर को या ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे क्या है कि हमारा शरीर प्रॉपर रूप से जो है वर्क करता रहे, हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज कम और इस तरह से रहेगा तो क्या होगा कि हमारी हार्ट बीट जो है वो भी चेंज होगी, हार्ट की जो है जो उसका कार्य करने की तरीका है हार्ट का वो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पहुंचेगा। आइए देखते हैं 3rd पॉइंट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड बिकम नॉर्मल रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस आसना रेगुलरली द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। बिकम कार्डिक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रॉन्गली एंड इफेक्टिवली। ब्लड सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइजेस। द लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस बाय परफॉर्मिंग आसना। द लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम मसल्स क्विकली एंड ईजली विच रिड्यूस फैटिक।
तो ये है क्वेश्चन, कई बार आ भी सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन का जो है हृदय पे जो है या हार्ट पे जो है किस प्रकार से इफेक्ट पहुंचेगा, पूरे शरीर पे कैसे इफेक्ट पहुंचेगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज है या कम है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। अब इसके बारे में समझते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, रिस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। तो बाय डूइंग द आसन रेगुलरली द रिस्पिरेटरी आसन्स बिकम एफिशिएंट, द वाइटल्स एयर कैपेसिटी इंक्रीज अप टू 3000 cc, द साइज ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट ऑल्सो एनहेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग आसनास, द विल पावर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वेरियस डिजीज सच एज वेरियड डिजीज सच एज कफ अस्थमा एंड कैंसर ऑफ ट्रैकिया कैन बी प्रिवेंटेड। इनसे उपचार मिलता है योगा करने से, लंग्स का जो कैंसर है, लंग्स की जो डिजीज है, और लंग्स स्ट्रांग भी होते हैं, और कफ अस्थमा ये सब चीजें जो है क्योर हो जाती है आसन से। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, फोर पॉइंट इज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंक्रीज। देखिए किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ा आसन से, हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मसल्स, बोन पे, एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स, खाने को पचाना, खाने पेट की जो परेशानी है, इंटेस्टाइन्स की जो प्रॉब्लम्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैंक्रियास, इनसे रिलेटेड जो किडनीज, इनसे रिलेटेड जो है जो डिजीज हैं वो क्योर होती हैं आसन के द्वारा, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो परफेक्ट होता ही होता है। बाय परफॉर्मिंग आसना रेगुलरली ऑल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी begin to work effectively, the absorption of food become efficient, the storage of bile in gallbladder is concerted from enhanced appetite, increase stomach and intestines or also strength, constipations, indigestions and gas troubles are reduced by the asana. Different asana है, बहुत सारे आसन से, ठीक है, पवन मुक्त आसन है, धनुर आसन है, चक्र आसन है, ठीक है, स्टैंडिंग आसन हैं, पादहस्तासन है, उत्थान पादासन है, ठीक है, इन सब आसनों से जो है हम गौमुख आसन जो है पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए बेस्ट। तो ये सब चीजें जो है, ये आसन जो है, जो डिफरेंट आसन है, 84 लाख आसनों का जो है प्रयोग बताया है पतंजलि काल में, लेकिन आते आते अब 84 आसन रह गए हैं, लेकिन ये 84 आसन जो है ये भी बेस्ट हैं, और अगर हम इनको कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज अ नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसना our nervous system strength the working efficiency of synapses enhance, the neuromuscular coordinations increase, activity of our body will be done expending less energy, the secretions of endorphins remain good, the secretions of adrenaline depend on sympathetic nervous systems, the recreation time also reduce, recreation time ko kya hai reduce kar deta hai, mental power also improves, memory improve and feeling of the disappointed reduce, regular practice of asana
reduce anxiety and stress. It also reduce sleep disorder. Sleep जो disorder कहने का मतलब है कि जब हम सोते हैं और हमें नींद नहीं आती है, रात भर हम जो है हम लेटते तो हैं पर आंख खुली रहती है, हम नींद सो नहीं पाते हैं, तो उस तरह की जो स्लीप डिसऑर्डर है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है और अच्छी नींद लाता है आसन। नंबर नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली बाय डूइंग आसन रेगुलरली। द ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली। ये हमारा 7-8 पॉइंट है ग्लैंडुलर एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे क्योर करते हैं इसको बाय आसन। ग्लैंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इन सफिशिएंट क्वालिटी विच आर कनेक्टेड एंड कैप्ट सो दैट दे may be utilized at the time of need. The demand of insulin reduces. Indeed, regular practice of asana improves diabetes management. Asana helps in the maintaining a balanced development of our body. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। एक हमारा पॉइंट नेक्स्ट जो 7-8 पॉइंट है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स एनहांस। एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है वो हमारा हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, हमें जो है यूट्रस से रिलेटेड जो है और जो हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स है उसको जो है क्योर करता है आसन। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन एनहांस the efficiency of all the excretory organs. As a result, the waste product such as lactic acid, acid phosphate, urea, uric acid, sulfate, etc. are excreted quickly and properly, which in turn help in the delaying fatigue. नंबर 9 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बेनिफिट ऑफ द योगा, इम्यून सिस्टम्स इज स्ट्रेंथेंड बाय कैरिंग आउट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसना। आवर इम्यून सिस्टम्स इज स्ट्रेंथ, वी एज अ रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। ये हमारे देर आर द 9 पॉइंट रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ द टाइप डिजीज। ये हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई बार इंट्रोडक्शन से भी आ जाता है कि क्या इंट्रोडक्शन है बताइए, आसन एज प्रिवेंटिंग मेजर्स ये भी है, बेनिफिट ऑफ द आसन फॉर प्रिवेंशन ऑन डिजीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड that regular practice of asana is helpful in preventing various diseases, especially the ones that are related to our lifestyles. Okay student, I will give the related sub questions, this topics, introduction of the yoga, asana as a preventing measures, benefits of asana for preventing of diet disease. Related question, इस तरह से 2 marks में आ सकता है कि analyze benefit of the yoga, analyze benefit of the asanas, या elucidate, या mention the benefit of the yoga, 2 marks. तो आप ये जो 9 point मैंने आपको बताए हैं, 9 पॉइंट कौन से हैं? सपोज के क्वेश्चन आता है कि एनलिस्ट या इलुसिएटेड या बेनिफिट ऑफ आसना या पॉइंटेड बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज,
तो आप लोग 2 मार्क्स में अगर होता है और अगर आता है तो आप लोग जो है ये 9 के 9 पॉइंट आप जो है एक्सप्लेन नहीं करने हैं, लिखने हैं सिर्फ। जैसे कि आपने लिखा कि बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2 मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। नंबर 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। नंबर 5 एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंक्रीज। नंबर 6 नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ। नंबर 7 के बाद नंबर 8 ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली। और नंबर 8 एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एनहांस, ठीक। एंड नंबर 9 इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ। ये 99 पॉइंट आप याद कर लेंगे, पूरी बॉडी से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें आ गया है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें है, और सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें है ही है। तो ये सब सिस्टम्स जो है इसमें आ गए हैं। इसमें कैसे बेनिफिट मिलता है, इन पॉइंट मिलता है, इन पॉइंट को आप उसमें लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं 3 मार्क्स में, सपोज कि यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आ जाता है कि बेनिफिट ऑफ योगा प्रिवेंटिंग डिजीज, तो आप लोग क्या करेंगे कि 3 मार्क्स में उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन एनी 3, तो 3 लिखना है। अगर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन, तो 4 कम से कम एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको, 9 में से 4 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सपोज कि आपने जो है लिखा है कि मस्कुलर बिकम स्ट्रॉन्ग, तो आप उसके बारे में लिखना है कि बाई परफॉर्मिंग आसना रेगुलरली मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग, द एफिशिएंसी ऑफ मस्कुलर इंक्रीज बट डज नॉट एक्युमुलेटेड इन द बॉडी। सफोर ही आ जाता है उसमें। फिर अगर आप नहीं और कोई पॉइंट याद है, अगर यही पॉइंट आपको याद है, अगर 4 एक्सप्लेन करने हैं, अगर पूछ ही लिया उन्होंने 3 मार्क्स में कि बेनिफिट बताइए, तो आप सोचिएगा नहीं, आप 3 तो बेनिफिट एक्सप्लेन करने करने हैं। एक तो ये वाला हो गया जो मैंने आपको बताया, मस्कुलर बिकम स्ट्रॉन्ग। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इनहांस, किस तरह से है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द आसना इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एज अ रिजल्ट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज द लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट एक्सेट्रा आर द एक्सक्रीटेड quickly and properly which in the term help in the divine fatigue। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, 3rd इम्यून सिस्टम इज अ स्ट्रेंथ, बहुत इजी है भी, बाय कैरिंग आउट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसना आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ, वी एज अ रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। ये भी आप ले सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड द रेगुलेटेड प्रॉपरली, ये भी आप डाल सकते हैं, तो कर सकते हैं उसमें। ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इन द सफिशियंट क्वालिटीज क्वांटिटी विच आर द कलेक्टेड एंड द कैप सो दैट दे मे बी द यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ नीड द डिमांड ऑफ द इंसुलिन रिड्यूस। इनडीड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द आसना इंप्रूव डाइजेस्टिव मैनेजमेंट, आसन हेल्प इन द मेंटेनिंग अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडीज। ये आप अपने 3-4 पॉइंट इसमें आप डाल सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्कस द बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ब्रीफ। तो इन्होंने पूछा है, तो अगर आप सबका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो एनी 4 जरूर आप कर दें, 3 तो कर ही दें एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बनेंगे, जो हमारे टॉपिक है आसन एज ए प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बेनिफिट ऑफ आसना। एंड एक लास्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज आ जाता है आपके पास, डिस्कस आसन एज प्रिवेंटिंग मेजर्स इन डिटेल। तो मैंने जो पहले आपको एक्सप्लेन किया था आसन एज ए प्रिवेंटिंग मेजर्स, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग से कर सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन जो है डिस्कस आसन एज अ प्रिवेंटिंग मेजर्स इन डिटेल, तो आप पूरा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में अगर आता है तो थोड़ा बहुत उसमें बीच बीच पॉइंट डाल सकते हैं। स्टडी कैसे कर सकते हैं आप लोग, कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन मीन्स स्थिरम सुख आसनम,
that position which is the comfortable and the sitting pose. In Brahmonishad, उसके बारे में थोड़ा डाल दीजिए. To sit in a comfortable positions or the posture for everlasting period is called asana. इतना आप लिख सकते हैं और उसके थोड़ा सा explain कर सकते हैं आप लोग. अगर ज़्यादा लिखना है तो आसन is that state of body in which the body may be positions easily as a matter of the fact the ability to sit comfortable for a extended period of time in any position is called asana. In asana, body is kept in various position in such way that the activity of organ and gland of body become more efficient and the eventually the health of mind and body is improved. In fact, asana is the main through which physical and mental development is achieved. Prevention of disease and delay in aging are the desired effect that can be achieved through yogic exercise. ये आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो देयर आर द 3 and 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स और आगे जो है डिजीज से रिलेटेड हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल से आने वाली डिजीज है, जैसे कि ओबेसिटी है, उससे रिलेटेड कुछ आसना दे रखे हैं इसमें. नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक में पढ़ेंगे. डायबिटीज है, उससे रिलेटेड आसन हैं. अस्थमा है, उससे रिलेटेड आसन है. बैक पेन है, उससे रिलेटेड आसन हैं. और डायबिटीज भी इसमें है और हाइपरटेंशन भी है. तो इन डिजीज के जो है आसन हम लोग देखेंगे और वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आसन भी मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आसन करना है. सो माय टॉपिक रिलेटेड टू दिस योगा आसन एज अ प्रिवेंटिंग मेजर्स बेनिफिट ऑफ द आसन फॉर प्रिवेंटिंग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन से लेकर टुडे टॉपिक इज कंप्लीट. सो आई विल गिव यू द असाइनमेंट रिलेटेड और असाइनमेंट आप लोग पूरा करेंगे, टाइम पे जमा कीजिए. आप लोग नहीं करेंगे तो वहां पे अटेंडेंस मार्क हो जाएगी एब्सेंट में. सो ओके स्टूडेंट, आई विल गिव द रिलेटेड असाइनमेंट इन द अर्सन पोर्टल. ओके, थैंक यू.